हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली हुंडई ने कॉमन मैन की सुन ली है और अब जो है ग्रैंड आई-10 नियोस का जो फेस शिफ्ट का वेट हो रहा था ना, तो फाइनली अब हुंडई ने उसको अनवील कर दिया है। सामने अभी आप देख ही रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो पुराना डिज़ाइन था वो बहुत टाइम से आ रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि यार अपडेट की तो देखो ज़रूरत है ही। तो फिलहाल जो है हुंडई ने चीज़ सुन ली है और अब जो गाड़ी है ना, रिफ्रेशिंग लुक्स के साथ आ रही है, साथ ही फीचर्स, भाई फीचर्स भी कमाल के आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मैं बता दूं, देखो फ्रंट में चेंज है, बाकी पीछे का चेंज ना भाई, आप देखोगे ना आँखें जो आपकी है ना, आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये खड़ा है इसका एस्टा मॉडल, वही मॉडल आएंगे एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा, ये सारे मॉडल्स जो हैं आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। अब ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी, डीजल वाला जो मामला बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है हुंडई ने, और मुझे लगता है आने वाले समय में ना सारी की सारी गाड़ियाँ जो है आपको सारी पेट्रोल मिलने वाली है। फ्रंट फेशिया आप देख रहे हैं, फ्रंट में ये देखो आप, इसके आपको जो ये हेडलैम्प यूनिट है सेम ही मिल रहा है, अंदर आपको प्रोजेक्टर मिल रहे हैं, येलो लाइट है, बट पीछे भाई यही तो कमाल है, ये देखो आप DRLs हैं भाई, ये कितने कमाल के लग रहे हैं, पहले मिलते थे बूमरैंग स्टाइल के। तो दोस्तों, जो इसका डिज़ाइन है ओवरऑल बहुत ही एजी टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन आपको मिल जाता है और बहुत ही यहाँ पे अच्छा सा जो है काम किया गया है क्रोम का इसके हेडलैम्प में, बट जो दिल जीतता है ना एलिमेंट वो जीते हैं इसके DRLs, बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा लगता है जैसे प्लेन होता है ना एरोप्लेन, उसका टेल होती है पीछे की पूछ, वैसा आपको कहीं फील हो रहा है। बाकी आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो देखिए यहाँ पर अमेजिंग सा आपको जो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है। बात की जाए देखो इसके सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 175/60 R15, तो 15 इंच के हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है और रियर में ड्रम ब्रेक है। दोस्तों साइड में जो है ओआ वेंस मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर इसी पे है, ए पिलर आपका जो है बॉडी कलर है, ऊपर आपको जो है रूफ रेल्स मिल जाती है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा खासा जो है यहाँ पे ग्लास एरिया भी मिल रहा है, और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे देखो ग्रैंड आई-10 की बैजिंग है और बहुत ही अच्छा जो है डिज़ाइन मिल जाता है, तो ओवरऑल जो गाड़ी है बहुत ही सही है। बात की जाए देखो इसके एक शोरूम प्राइस की, तो 7.92 lakhs का जो है ये आपको गाड़ी मिल जाती है, तो बहुत ही सही है। यहाँ से भी आप देख रहे हैं साइड लुक गाड़ी का बहुत ही अच्छा है, तो भाई कमाल का लुक है। अब आ जाती है, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये देखो आप क्या बात है, पीछे का रियर लुक जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका है डिफ्यूज फॉर्म के अंदर। ये देखो यहाँ पर आपको कनेक्टेड वाली जो लाइट्स है वो मिलने लगी है भाई, जो कनेक्टेड लाइट्स का ना एक्चुअली ट्रेंड सा आ चुका है, ये देखो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये फुली कनेक्टेड तो नहीं है, देखो यहाँ बीच में जो है आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, बाकी साइड में ना आपको जो डिफ्यूज़ के अंदर मिल जाता है एस्टा की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल रही है, और जो कलर है ना उसको थोड़ा सा मैट जो है सिल्वर किया गया है, काफ़ी सही लग रहा है। ये देखो ये एक्चुअली जलेंगी नहीं, बाकी वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, तो ऐसा कुछ लुक है। ग्रैंड आई-10 की यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है भाई, मगर जो लाइट्स है ना सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आपको हैलोजन मिल रहा है, ऊपर भी हैलोजन मिल रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये कनेक्टेड वाली ये चीज़ें फ्यूचर में देखना करोल बाग में आपको मिल जाएंगी। नीचे आपको दो जो है पार्किंग सेंसर है, नियोस की ब्रांडिंग है, नीचे दो रिफ्लेक्टर्स भी जो हैं आपको मिल जाते हैं, तो बहुत ही पीछे का डिज़ाइन मुझे अब पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी अच्छा जो है हुंडई के थ्रू जो है काम किया गया है। तो ये चीज़ अब आपको कैसे लग रही है दोस्तों आप ज़रूर बताना। ये देखिए कैमरा मिल जाता है भाई, एस्टा मॉडल है भैया, टॉप मॉडल, तो कैमरा क्यों ना मिले, तो ऐसा कुछ लुकड़ा का। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ। तो ये रही कुछ कहानी इसके डोर ट्रिम की, वही कलर्स हैं भैया, वैसा ही है, सेम लाइट कलर है, आइवरी कलर कह लो, ग्रे कलर कह लो, बहुत ही सही है, सिल्वर फिनिश है यहाँ पे, और सारे के सारे जो है पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं, और जो OAVMs है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल वाला ऑप्शन है, और ये चीज़ बहुत सही लगती है। देखो गाड़ी बंद है, उसके बाद भी जो मिरर्स हैं उसको आप इस तरीके से फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं, सही है। बाकी डिज़ाइन अच्छा है, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, स्पीकर की ग्रिल है, और ये देखो हाइट एडजस्टमेंट है यहाँ पे, है भी हो भी क्यों ना भैया, टॉप मॉडल है ये। और यहाँ पे अगर बात की जाए देखो फैब्रिक पॉस्ट्री है मिल जाती है, साइड में थोड़ा लेदराइट ट्रीटमेंट है, और डिज़ाइन जो है पहले से चेंज है, फिक्स आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जैसे पहले थे, थोड़ा सा इस चीज़ में मैं कह सकता हूँ पहले भी ऐसा था, थोड़ा सा अब इस बार अलग दे देते तो बढ़िया रहता, बाकी ऐसा कुछ लुक है। तो दोस्तों अंदर बैठ चुका हूँ और देखो भाई क्या प्रीमियम चीज़ है ना यार, मतलब जैसी पहले थी वैसी ही है, वही डुअल टोन में है, बट क्वालिटी ऑफ इंटीरियर एंड जो प्रीमियम फील है ना वो बरकरार है। यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है और बहुत ही सही है, इसका जो पकड़ने का फील है ना वो ज़्यादा बढ़िया है, और हुंडई का आपको पता ही है प्रीमियम फील के लिए हुंडई जो है जानी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील वैसा ही है, बट दोस्तों अब ना आपको मिल चुका है इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, अब आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिलने लगा है, देखिए ये क्रूज़ कंट्रोल के एक्चुअली जो है कंट्रोल्स हैं, पहले चीज़ नहीं आती थी अब दे दी गई है। बाकी ये देखो आप,
ये भी आपका जो है क्रोम के अंदर नहीं है, ये भी आपका मैट सिल्वर कलर के अंदर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेदर रैप्ड है और क्वालिटी देखो स्टीयरिंग की बहुत ही गजब है। यहाँ पे जो सिल्वर एलिमेंट है ना वो चीज़ यहाँ पे दी गई है, ये देखो ये चीज़। तो ये सारी डिटेलिंग जो है यही चीज़ जो है हुंडई को बढ़िया बनाती है। देखो टिल्ट मिल गया, ओके, बट टेलीस्कोपिक नहीं है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, टिल्ट मिल गया। बाकी इस टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, दो तरफ एनालॉग है, बीच में आपको जो है डिजिटल मिलता है सेम अपना जैसा हुंडई में आता है ना। और देखो यहाँ पे दोस्तों आपको TPMS का सपोर्ट मिल रहा है, ये चीज़ पहले नहीं आती थी, बट TPMS बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ आपको मिल गई। स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन आ गया साइड में, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट का लेवलर आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है, नीचे ABC पैडल आपको मिल गए, और ये देखो वही आपको मर्सिडीज स्टाइल का ना यहाँ पे मिल जाता है AC वेंट, जो कि काफ़ी कूल लगते हैं। AC आप यहाँ पे AC की बात करें, देखो ऑटोमेटिक AC है यहाँ पे, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, भाई वायरलेस चार्जिंग मिल गई, क्या बात है, ये बहुत सही चीज़ होगी। बाकी 12 volt का सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट है, और बहुत अच्छा रहता है। देखो टाइप सी मिल जाए ना, इससे क्या होता है कि अच्छी स्पीड जो है, अगर iPhone आजकल यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी बहुत प्रीमियम लग रहा है इसका गियर नॉब भी, और बाकी टच स्क्रीन आप देख सकते हो काफ़ी मैसिव सी है। एयरबैग्स आपको भाई सबसे अच्छी चीज़ है, 6 एयरबैग का सेटअप मिलता है, 2 यहाँ 2 इसको आपको सीट से मिले और 2 आपको साइड कर्टन एयरबैग, सो बहुत ही सही चीज़ है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स चेक करते हैं, तो भाई ये बहुत सही चीज़ हो गई, कूल्ड मिल जाता है, अच्छा रहता है, यहाँ स्पेस मिल गया, ये टेक्सचर डिज़ाइन है, बाकी सारा कुछ जो है हार्ड प्लास्टिक ही मिल रहा है, कुछ नहीं, बहुत ही लाजवाब है सीट्स की। और ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिलता है, और फिलहाल यहाँ पे देखो टिकट्स रखते तो नहीं है बट मिलता ज़रूर है, तो ऐसा कुछ रहा। बाकी दोस्तों इस टाइप का जो है म्यूज़िक सिस्टम मिलने वाला है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, 8 inches का है भाई, सेम जैसा अपना वेन्यू में आता है ना सेम उसी टाइप का है। टच जो कंट्रोल्स हैं और जो टच का रिस्पांस है काफ़ी बढ़िया है। और चाबी दिखाना भूल गया था, तो चाबी दोस्तों इस टाइप की मिलेगी, टिपिकल हुंडई वाली चाबी है, एज सच कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिप की नहीं है, बिकॉज स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है, दोनों चीज़ें आपको जो है 2 कीज़ हैं, स्मार्ट कीज़ मिल जाती हैं, ऐसा कुछ टिकट होल्डर रहा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसको एक बार साइड में रख देते हैं दोस्तों। नियोस में अगर आप चाहते हैं CNG वर्जन लेना, तो CNG का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये बहुत सही चीज़ है। बाकी ये रहा इसका IRVM, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है इस तरीके से। और ये देखो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल आपके एडजस्टेबल हैं, ऊपर आपको हाइलोजन वाली जो लाइट है वो देखने को मिलती है। बाकी क्या ही कहने, आगे से सब कुछ वैसा ही है, स्पेस अच्छे खासे हैं, वाटर बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं आराम से। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं इसके पीछे सेकेंड रो पे, और यहाँ पे एक बार कैमरा देखो आप भाई, कैमरे की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हुंडई में कैमरा जो है अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है, पैसे लेते हैं तो उस चीज़ के हिसाब से जो है आपको फीचर्स भी देते हैं। आर्मरेस्ट की कमी ज़रूर मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो चीज़ भी आफ्टर मार्केट भी लग जाती है। अब सेकेंड रो पे चलते हैं तो देखो भाई सेम ही आपको लुक मिल रहा है, डुअल टोन वाला, यहाँ पे आपको पावर विंडोज का कंट्रोल है, ट्रैक्सी टाइप का डिज़ाइन है, ये देख रहे हैं आप, तो सही है, ये चीज़ बढ़िया लगती है। नीचे वाटर बॉटल का ऑप्शन है, स्पीकर की प्लेसमेंट हो गई। अब अंदर चल के जो है चीज़ देख लेते हैं, तो भाई यहाँ पे देखो स्पेस देख रहे हो आप कितना ही शानदार है। आगे वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, यहाँ पे 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, 2 आराम से एडल्ट्स और 1 बच्चा बैठ सकते हैं। पीछे रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ही सही चीज़ होगी। तो यहाँ पे नीचे देखो सॉकेट मिल जाता है 12 volt का, तो भाई ऐसा कुछ जो है यहाँ पे मुझे फील जो है अच्छा आ रहा है। एक्चुअली फैमिली कार है, कंप्लीट फैमिली कार इस गाड़ी को कह सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको जो है हुक भी मिल जाता है, ग्रैब हैंडल जो है एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो ऐसी रही कुछ कहानी, आप चलते हैं पीछे की तरफ और अब देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से है बटन खोलना है, यहाँ से रिलीज़ किया दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी रही। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है, अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है यहाँ पे। और स्पेस देखो आप भाई, 260 लीटर का स्पेस मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है। बूट लैंप मिल जाता है, अच्छी चीज़ है। साइड में आपको हुक मिल जाते हैं भाई, इसमें आप चीज़ें जो हैं अपनी पॉलीथीन वगैरह जो भी होती हैं कैरी बैग्स उसको लटका सकते हैं। बाकी स्पेयर व्हील आप देख सकते हो, चेकआउट करिए। प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार इसकी, यहाँ पे यहाँ रही प्रोफाइल भाई, 14 inches का व्हील है तो ठीक है, कॉस्ट कटिंग तो यहाँ पे छोटा आपको मिलता है व्हील, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कवरिंग वगैरह मिल जाती है, और इस तरीके से इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं देखो अब इसके इंजन बे की तरफ, और ये रहा कुछ इंजन बे, 1.2 लीटर का जो है कापा इंजन मिलता है दोस्तों, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड वाला इंजन है, सेम अपना वेन्यू के अंदर आता है। बात की जाए देखो पावर फिगर्स की, तो 82 BHP की पावर्स निकालता है, और 114 Nm का जो है टॉर्क मिल जाता है। इंसुलेशन नहीं मिलती, ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज इतना कमाल का ना आवाज़ है कि आवाज़ अंदर आएगी ही नहीं। बाकी यहाँ पे जो है ABS EBD यूनिट आपको मिल रही है, ऐसा कुछ रहा, बहुत तरीके से बनाया गया। अब इसको यहाँ से करते हैं बंद,
तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ जो है आपके लिए कवर कर दिया। एस्ट्रा मॉडल है भाई, कमाल का है। अगर आप भी लेना चाहते हैं ना तो जल्दी से भागिए डीलरशिप पे और इस गाड़ी को बुक करा दीजिए। कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वाइट है, ब्लू है, रेड है एंड बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक और इसके अलग अलग वेरियंट्स जो हैं उसको भी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।